खबर कपूरथला दे लगते पिंड नडाला तो आ रही है। नडाला जिहड़ा आ इक सूबा आ कस्बा आ जिथे कि पिंड वड्डा होण करके शहर वांगू वस गया, पर इत्थे दी घटना ने दिल दहला दिता। दरअसल घर दे विच कल्ली जनानी देख के एक शख्स जिहड़ा मूँह ते हैलमेट लैके ते अंदर रुमाल बन के हाथ विच पिस्तौल फड़ के अंदर वड़ाउंदा है ते बहुत ज़्यादा जिहड़ा आ थत्थो पाई हुंदा है क्योंकि जनानी जिहड़ा उहदा हैलमेट लाउण दी कोशिश करदी है पर उसे विच उह जनानी नूं परां सिटदा है। चोरी दे इरादे दे नाल इह अंदर वड़िया पीड़ियां गलियां क्योंकि इह पत्तियां ने। नडाला जिहड़ा आ बहुत वड्डा सूबा आ और कह जाइए कपूरथला दे ये जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट कपूरथला दे अंदर आउंदा नडाला। इत्थे खौफनाक घटना सामने आई है जिहड़ा इक शख्स है मूँह ते हैलमेट लैके अंदर रुमाल बन के कल्ली जनानी देख के उहदे घर वड़ जांदा ते उस तो बाद पिस्तौल लैके आउंदा आ। बहुत ज़्यादा एक दूसरे दे नाल जिहड़ा तशद्दुद हुंदा है क्योंकि जनानी जिहड़ी है कल्ली घर दे विच हुंदी सी उहदा हैलमेट लाउण दी कोशिश करदी है तां जो आइडेंटिटी रिवील हो जावे पता लग सके इह कौण है, पर कामयाब नहीं हो सका। फिर जदों पता लग्गिया कि मूहरों जिहड़ा आ कि मेरा हैलमेट लथण वाला ते नठदा होया नज़र आ रहा, सी सी टी वी तस्वीर जिहड़ी है तुहानूं दिखा रहे हां, पीड़ियां गलियां दे विच खौफनाक ते खौफनाक हादसा गली दे विच क्योंकि भीड़ी गली है, इहदे विच हैलमेट मूँह ते बन के हाथ च पिस्तौल लैके शरेआम अंदर वड़ जांदा है। दिन दिहाड़े ये कारनामा हुंदा है। चंद कु घंटे पहलां दी खबर है कपूरथला दे नडाला दी है जिथे एक रिहायशी इलाके दे विच तंग गलियां दे विच हैलमेट पा के जिहड़ा एक व्यक्ति मूँह ते रुमाल बन के उत्तों दी हैलमेट पा के हाथ च रिवॉल्वर फड़ के कल्ली जनानी वेख के घर आ जांदा है। लगता है कि किसी ने टिप ऑफ दिती है कि इस घर दे विच कोई नहीं है ते हुण तू घर आ कर सकदा है, पर जदों औरत ने सामने मुकाबला किया हफड़ा तफड़ा मच गई, लोगों को सद्दण की कोशिश की तां भजदा होया नज़र आ रहा। तुसीं सीसीटीवी च देखो कि किन्ने आराम दे नाल हैलमेट पा के रुमाल बन्निया होया अंदर दी ते घर दे विच वड़न की कोशिश कर रहा। बाद विच जदों रौला पाता जनानी ने तो फिर निकलदा नज़र आ रहा। अजिहियां घटनावां जदों पंजाब दे विच हुंदियां ने उन्हां एरियाज़ दे विच हुंदियां जिथे आपां कहिंदे वी भीड़ भड़के वाले च कित्थे डर हुंदा आ, तंग गलियां जिथे घरां दे विच घर आ उत्थे असीं अक्सर कहिंदे वी काहदा डर आ, पर पंजाब दे आह दिन आ गए ने जिथों घरां दे विच घर भीड़ भड़कण वालियां जगह दे विच वी डर आ, मूँह ते हैलमेट पा के हाथ च रिवॉल्वर अंदर दी रुमाल बन्निया होया होवे तां जो पता ना लग सके। सीसीटीवी देखो किवें होश उड़ा दिंदी है, छोटे छोटे बच्चे गलियां दे विच खेडदे ने उह डर के नठदे ने। इह पंजाब है, कोई होर स्टेट नहीं हैगी। पंजाब दे विच आए दिन इदां दीआं वारदातां जदों हुंदियां आ लॉ एंड ऑर्डर दे उत्ते वड्डे सवाल खड़े कर दिंदियां ने। अक्सर पंजाब दे एरिया इदां दा कि खेती प्रधान सूबा पंजाब, सो पंजाब दे लोकी जिहड़े ने डेरियां दे उत्ते रहिंदे ने आपदियां जमीनां दे विच रहिंदे आ उत्थे तां असीं कहिंदे आ वी डर डुक्कर हुंदा वी कोई आ जाए लुट्ट कसुट कर जावे, पर पिंडां थावां दे विच जिथे घनी आबादी हुंदी आ संघणी आबादी हुंदी आ उत्थे असीं कहिंदे कोई नहीं आउंदा, पर आ सीसीटीवी ने होश उड़ा दित्ते आ। नडाला कपूरथला दा बहुत वड्डा कस्बा आ, इह शहर वर्गा बणिया होया, उत्थे भीड़ियां गलियां दे विच हैलमेट पा के अंदरों दी रुमाल बन के हाथ च रिवॉल्वर, हालांकि रिवॉल्वर दा पता नहीं कि असली है कि नकली है, पर ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਮੂਹਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੁੰਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ DTH ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 200-300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਨਡਾਲਾ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਪ ਆਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੌਣ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕੱਲੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ। ਮੈਂ ਘਰ ਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਪਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ।
सिर्फ एक ही जाना सीगा ते बस उन्हें रिवॉल्वर मैनू दिखाई कहना मैं गोली मार दांगा तेनू अगर तू रोला पाया ते मैं रोला पाया ते उन्हीं देनू वो भज गया जो मैं रोला पाया मैनू उन्हें पिछे नू धक्का मारिया मेरिया चूड़िया भी पाई हुई वो उतार दी टूट गई लेकिन उन्हें मैनू के किया कुछ नहीं घर का नुकसान उन्हें कुछ नहीं किया लेकिन मैं रोला पा दिता सी हाँ जी मेरे रोला पाने तो बाद कि मेरी जान बच गई वो भज गया तो मन्नत मेरे को वो अगे भज पिछे भजी है लेकिन पता नहीं लगा है पैदल सी हैलमेट तो रुमाल बनने होया सी उन्हें है एको ही बंद इधर या वारदातें होनी नहीं चाहिए घर के रिहायशी गली के बीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मैं जिदा घर जनानियां कलिया होने कुछ सेफ होना चाहिए घर के बीच सेफ होना चाहिए कि सेफ्टी भी कुछ होनी चाहिए हमने बस थोड़ी देरी हुई है थोड़ी देरी हुई है मैं मतलब कि 11 बजे के करीब वारदात हुई है मेरे लिए।